दिन निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गया, अंत में ये वीडियो आपके हाथ में लगा। इस साल के अंत में तुम पहुंच तो गए हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत में नहीं पहुंच पाओगी। अरे वाह, कितना मजा आ गया यार, इस साल को बर्बाद करने में कितना मजा आ गया। ऊपर वाले ने क्या जिंदगी दी है, मैंने क्या गलती की है। मेरा मकसद सही है, लेकिन करने के लिए वक्त नहीं है। पिछले साल मौज मस्ती करके वक्त बिताया, और उसी साल ने अगले साल जीना सिखाया कि बेटा तू जिंदगी भर यही मौज मस्ती करता रहे। लेकिन याद रखना, इस मौज मस्ती का रिजल्ट बहुत कड़वा होने वाला है। कितना आसान लगता है ना बोलने में कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, अपने बुरे वक्त से लड़ूंगा, अपने उस मरे हुए सपने को पूरा करूंगा। लेकिन मुसीबत ये है कि तू मुसीबत में फंसता जा रहा है। एक बार ढंग से सोच, साल में 365 दिन होते हैं, और इन 365 दिन में से 300 से ज्यादा ऐसे दिन है जिसमें तुमने अपनी बॉडी का सत्यानाश किया है। अगर तू अपनी बॉडी की एनर्जी बचा के रखता, अपने काम पर लग जाता, अपने गोल के पीछे भागता, तो आज तेरी जिंदगी उमंग से भरी होती। क्या पूरे साल में एक भी दिन ऐसा है जहाँ पर तूने कुछ ढंग का काम किया है, अपने आप को खुशी का जवाब दिया है? क्या ऐसा कोई दिन है? याद भी नहीं होगा, और ऐसा दिन होगा भी नहीं। हर दिन तूने खाली टाइम उड़ाया है, उल्टा सीधा नशा खाया है, अपने आप को लड़की के पीछे भगाया है, और उसने बुरे तरीके से तुझे नचाया है। मुझे पता है तेरे अंदर एक गुरूर है, एक नया जुनून है, और उस जुनून की आग तेरे सीने में जलती है और तुझे अपने सपने पूरे करने के लिए बोलती है कि बेटा तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू मौज मस्ती करके हिलाता रह जा, आलसी पड़ा रहे, बिस्तर में लेट कर सड़ा रहे, और जिंदगी भर किसी के पीछे तू पड़ा रहे, और दूसरा ऑप्शन तेरे पास ये है कि बीते हुए वक्त का लिहाज करना छोड़ दे और अपनी चुनौती को बोल दे कि रास्ता खोल दे, मैं आ रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ, चाहे रास्ते में पत्थर हो चाहे बर्फ। देख, तू शिकार करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अहम मौके पर तू शिकार को हाथ से जाने देता है। एक साल में हमारे पास 365 मौके होते, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेन और बस की तरह मानते कि आज गए तो कल फिर आ जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि आज की बस आपको पकड़ना कितना जरूरी था, आज आपको कितना जरूरी काम था। अगर वो काम आपका आज नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर आपको अफसोस देता रहेगा। आज जो आपकी ये उम्र है ना, इसमें काम करने की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आज जो आपके अंदर काम करने की क्षमता है वो आने वाले 2 सालों में नहीं हो सकती है। इसीलिए आज आप जो करना चाहते हैं वो अभी करो, और अभी जो आप करोगे उसे हर एक दिन में आपको रोशनी मिलेगी। इस साल में जो तू करना चाहता था वो तूने नहीं किया, लेकिन अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ है। इस बचे हुए टाइम में तू अपनी बुरी आदत छोड़ सकता है, अपने बुरे रास्ते को मोड़ सकता है, अपने रास्ते में खड़ी चुनौती को बाहर कर सकता है, अपने आप को शिकार करने के लिए तैयार कर सकता है। और देखना, तुझे हर एक दिन में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, एक नए जीवन का आभास होगा। तू पीछे मुड़ के अपनी गलतियों से सीखेगा, आने वाले 2023 में तू एक चमकता हुआ सितारा दिखेगा।